हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन मई उमर जी तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सातवें चढ़ के शिक्षक बहाली को लेकर तो सातवें चढ़ के शिक्षक नियुक्ति की जो है वो आपकी तैयारी गवर्नमेंट जो है वो कर ली है आपको पता है कि अब तक जो है वो बहुत ही जिलों से जो है वो रिक्तियाँ ली जा रही थी लगभग लगभग बिहार के हर एक जिलों से जो है वो रिक्तियाँ ली जा चुकी हैं कुछ ही जिले ऐसे हैं जहाँ से जो है अभी तक रिक्तियाँ जो है वो लेना बाकी हो गया है लेकिन अब जो है गवर्नमेंट जो है वापसी नियुक्ति की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर ली क्योंकि आपको पता है कि अगस्त से जो है वो आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी मतलब आपका आवेदन वगैरह जो है वो लेना स्टार्ट हो जाएगा तो अब यहाँ पर क्या है कि कल जो है उच्च स्तरीय बैठक जो है वो की गई थी जो कि बैठक भी आपकी संपन्न हो चुकी है और अब जो गवर्नमेंट का मतलब जो गवर्नमेंट का मतलब आगे का टारगेट है वो आपकी विज्ञापन प्रक्रिया पर जो है वो आपका जोर देना है तो यहाँ पर जो है वो हम थोड़ा सा बात करेंगे आज का न्यूज़ पेपर भी देखेंगे कि आज के न्यूज पेपर में जो है क्या डिस्कस किया गया है और आवेदन जो है आपके कब से जो है वो लिए जाएंगे क्योंकि आपको पता है फॉर्म तो इसमें भी भरना पड़ेगा भले ही आपका एग्जाम ना हो मेरिट के बेस पर जो है आप बिहार में गवर्नमेंट टीचर जो है आप बनते हैं तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हम बता दें कि जो आपके सातवें चरण की शिक्षक बहाली होगी वो आपकी प्रारंभिक शिक्षक बहाली होगी मतलब कक्षा एक से लेकर आठ तक और जिसमें जो है वो आपकी अस्सी हज़ार से प्लस टीचर की जो है वह आपकी बहाली होगी और यहाँ पर बता दें कि ये जो आपकी बहाली होगी और मतलब अगस्त से ही जो है वो आपके प्रस्तावित है मतलब अगले महीने से जो है वो आपका प्रस्तावित है आवेदन वगैरह लेना फिर उसके बाद मेरिट वगैरह बन बनने के बाद जो है आपको जो है वो स्कूल में ज्वाइनिंग वगैरह जो है वो आपका दे दिया जाएगा गवर्नमेंट के मतलब जो गवर्नमेंट ने बोला था कि हम अगस्त से लेंगे उसके बारे में हम, हम यहाँ जो है वो डिस्कस कर रहे हैं बाकी यहाँ पर आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर में तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से न्यूज़पेपर में दिया है और गवर्नमेंट ने जिस तरीके से अपना काम किया है हमें नहीं लगता कि अगस्त में जो है वो गवर्नमेंट विज्ञापन जारी करके आवेदन लेना स्टार्ट कर दे क्योंकि तो अभी ना कहीं कहीं, कहीं, ना कहीं आप देखेंगे तो दो से तीन महीने जो है आपके टाइम लग जाएंगे खुद ये न्यूज आप देखेंगे तो आपको जो बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा यहां पर देखिए बताया गया कि सातवें चरण के शिक्षक की नियुक्ति की जो है वो तैयारी फिर आगे बताया गया कि राज्य में सातवें चरण के तहत प्राथमिक से लेकर उच्च उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की तैयारी जो है उच्च स्तरीय समीक्षा हुई मतलब इसके लिए जो है उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई जो कि बैठक आपकी कल ही की गई थी सातवें चरण में प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो है तकरीबन एक लाख छियासी हज़ार शिक्षकों की जो है वो आपकी नियुक्ति करना है लेकिन यहाँ पर हम बता दें यहाँ पर जो आपके अगस्त से जो प्रस्तावित है ये आपका जो है वो मतलब प्रारंभिक का है मतलब कक्षा एक से लेकर आठ तक है और जो यहाँ पर माध्यमिक के लिए दिया है माध्यमिक का आपका अभी सातवें चरण में ही शिक्षक बहाली होगा लेकिन माध्यमिक का जो आपका विज्ञापन है ये आपका अक्टूबर नवंबर अक्टूबर नवंबर दो मैथ्स का जो है इसका भी ज्ञापन आएगा भले लेकिन ये जो आपका शिक्षक भर्ती होगा एक से लेकर बारहवीं तक ये आपके दोनों जो है वो सातवें चढ़ के ही अंतर्गत होंगे लेकिन अभी जो आपका अगस्त में प्रस्तावित है वो आपके कक्षा एक से लेकर आठ तक के लिए जो है वो आपकी मतलब शिक्षक बहाली शिक्षक भर्ती जो है वो आपकी प्रस्तावित है फिर यहाँ पर बताया जाता है कि माना जा रहा है कि सातवें चरण की नियुक्ति को लेकर जो है अगस्त से सितंबर तक जो है आपकी रिक्तियाँ आ जाएगी अब यहाँ से आप बिल्कुल समझ सकते हैं गवर्नमेंट ने बोला था कि हम अगस्त से जो है इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वापसी स्टार्ट कर देंगे लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो अभी तक रिक्तियाँ नहीं दे पाए हैं तो उनकी रिक्तियाँ फाइनल जो गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट ने एक अनुमान लगाया है तो गवर्नमेंट अनुमान लगाया है कि अगस्त से सितंबर तक जो है वो रिक्तियाँ आ जाएंगी तो नॉर्मल सी बात है आप समझ सकते हैं कि अगस्त से सितंबर तक इन लोग रिक्तियाँ ही लेंगे तो कहीं ना कहीं सितंबर के बाद अक्टूबर में ही जो है वापसी विज्ञापन जारी कर सकते हैं क्योंकि नॉर्मल सी बात है ऐसा तो है नहीं कि एक एक नियोजन का इन लोग विज्ञापन जारी करेंगे जारी करेंगे तो सबका एक ही साथ जारी करेंगे और बिना रिक्तियां मतलब लिए जो जो है 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 नॉर्मल सी बात बिना लिए वो शिक्षक भर्ती किया नहीं जा सकता कि कितने शिक्षक के पद रिक्त हैं और किस कैटेगरी वाइज क्योंकि कैटेगरी वाइज जो आपका रिजर्वेशन है उसमें भी जो है वो आपके टोटल सीट को डिवाइड करना पड़ता है तो इस तरीके से थोड़ा सा टाइम लग सकता है यहां पर गवर्नमेंट ने बताया कि जो कुछ जिले हैं और कुछ नियोजन हैं जहाँ से रिक्तियाँ जो हैं वो अगस्त से सितंबर तक तक सितंबर तक जो है वो फाइनली रिक्तियाँ आ जाएगी फिर यहाँ पर ये भी बताया गया कि समीक्षा बैठक में बहाली में पारदर्शिता को लेकर जो है वो गंभीरता से चर्चा हुई हालांकि चर्चा तो होता है लेकिन अब आप, आप समझ ही सकते हैं फिर यहाँ पर ये भी बताया गया बैठक में विभिन्न जिलों से नियोजन इकाई बार मिली रिक्ति पर भी चर्चा हुई कई जिलों में रिक्ति नहीं आने पर नाराजगी भी जताई गई जिन जिलों में रिक्ति अभी तक नहीं आ सकी है वहाँ के शिक्षा पदाधिकारियों को जो है अल्टीमेटम दिया गया है और यहाँ पर यह भी बताया गया कि, कि छठवें चढ़ के जो शिक्षक बहाली हुई थी उसमें जो कुछ भी कमियाँ हुआ था मतलब छठवें चढ़ के शिक्षक बहाली में भी जो भी विसंगतियाँ हुआ था जो भी गवर्नमेंट की तरफ से गलती हुआ था या फिर जो भी एक तरीके से कमी हुआ था उसको जो है सातवें चढ़ के बहाली में नहीं करना है और यहाँ पर जो है बहुत अच्छे तरीके से करना है ताकि हर एक जो कैंडिडेट हैं स्टूडेंट हैं या फिर एस्पिरेंट है वो जो है अच्छे तरीके सेटल हो जाए उनको कोई दिक्कत जो है वो न हो यहाँ पर बताया गया कि छठवें चरण की जो कुछ भी मतलब समस्याएं थी वो जो है वो सातवें चरण में वो समस्याएं जो है वो आपके नहीं आएंगी लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कि बहुत बार डिस्कस किया जा रहा है कि आपके फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे या फिर ऑफलाइन भरे जाएंगे तो देखिए क्या कि अभी तक ऑफिशियल नहीं आया है लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट का मूड लग रहा है ऐसा कि जिस तरीके से पहले आपका होता था उसी तरीके से गवर्नमेंट इस बार भी मतलब सातवें चरण में भी शिक्षक बहाली में भी जो है उसी तरीके से आपका ऑफलाइन ही फॉर्म ले हालांकि ऑफिशियल आने के बाद जो है आपका कन्फर्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि बहाली प्रक्रिया में जो भी पहले कमी रह गई थी उसे दूर कर लिया जाए ताकि किसी भी कहीं से भी जो है पारदर्शिता पर सवाल न उठे बहाली प्रक्रिया में मुखिया और संबंधित जनप्रतिनिधियों लेकिन चयन जो है वो शिक्षा विभाग करेगा मतलब जो आपका बहाली प्रक्रिया होता था वो शिक्षक नियोजन की वो नियोजन इकाइयों को ही दिया जाएगा और बहाली जो है वो नियोजन इकाई के माध्यम से होगी लेकिन चयन प्रक्रिया जो है वो शिक्षा विभाग बिहार सरकार जो है वो आपका करेगा और फिर यहाँ पर यह भी दिया गया कि हालांकि अंतिम रूप से सरकार सरकार से जो है बहाली प्रक्रिया पर जो है सहमति लिया जाना है मतलब यहाँ पर जो कुछ भी आपके शिक्षक बहाली का प्रक्रिया चल रहा है वो अभी तक जो बिहार के गवर्नमेंट है जो वहाँ वहाँ के सीएम है उनसे जो है अभी तक सहमति नहीं लिया गया है अभी जो जो कुछ भी काम है जो कुछ भी क्या चेंज करना है क्या अपडेट करना है क्या बदलाव करना है वो जो है, है सिर्फ और सिर्फ अभी विभाग कर रहा है अभी तक जो है जो मतलब गवर्नमेंट होते थे जो शिक्षा मंत्री हैं या फिर जो सी एम हैं वहाँ की उनसे जो है अभी सहमति लेना बाकी है तो थोड़ा सा आप पर भी देख सकते हैं क्योंकि नॉर्मल सी बात है जो गवर्नमेंट करे या फिर जो विभाग कर रहा है उनसे शायद गवर्नमेंट सहमति ना हो उसमें भी बदलाव देखने मतलब गवर्नमेंट चाहे कि इसमें भी थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए फिर इस तरीके से करना चाहिए तो थोड़ा सा इसमें भी जो है आपका टाइम लग सकता है और यहां पर जो है आपका बताया गया कि प्रारंभिक स्कूल मतलब जो प्रारंभिक स्कूल है कक्षा एक से आठ तक उसमें जो है आपकी अस्सी हजार शिक्षक की बहाली होगी और एक लाख जो बताया गया है वो आपकी कक्षा नौवीं से लेकर बारहवीं तक मतलब माध्यमिक शिक्षक में बहाली जो है वो आपकी होगी तो यहाँ पर जो है उसी के बारे में डिस्कस किया गया था तो फ्रेंड्स आज का आपका शिक्षक बहाली से संबंधित ये आपका न्यूज था और सातवें चढ़ के शिक्षक बहाली की नियुक्ति की तैयारी जो है गवर्नमेंट कर रही है और अभी तक रिक्तियाँ भी नहीं ले पाई है जो कि गवर्नमेंट ने बोली है कि सितंबर लास्ट तक जो है वो हमें फाइनली हर एक डिस्ट्रिक्ट हर एक नियोजन हर एक इकाई जो कुछ भी हो वहाँ से जो है वो हमें फाइनली नियुक्तियाँ जो है वो मिल मतलब रिक्तियाँ जो कितने टोटल पोस्ट जो है वो रिक्तें फाइनली जो है वो सबमिट हो जाएगा फिर उसके बाद गवर्नमेंट से सहमति लेने के बाद फिर उसके बाद जो है आपका नोटिफिकेशन विज्ञापन वगैरह जारी होगा फिर उसके बाद आपका ऑनलाइन फॉर्म फिर मेरिट लिस्ट वगैरह कराना फिर उसके बाद जो है आपका जॉइनिंग किस विद्यालय में होगा ये सब कराना जो है गवर्नमेंट अपना फाइनल डिसाइड जो है वो आपके करेगी तो फ्रेंड्स ये था आपके साथ में चढ़ के शिक्षक नियोजन शिक्षक बहाली को लेकर और शिक्षक बहाली को लेकर बाकी शिक्षक बहाली संबंधित जो कोई भी न्यूज वगैरह अपडेट वगैरह होता है तो हम शेयर कर देते हैं अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू बाय बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट थैंक यू फॉर लिसनिंग गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक यू